सच में वो दर्द मैंने बीते दिन ये बहुत इलाका बहुत पुराना है ये। तो आप हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, स्वागत है आपका। और सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपको कि आप जैसे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, यहाँ पे देखा लोगों को, आपका अनुभव कैसा है? देखिए काफ़ी उत्सुक है ना, और पहली बार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और खुद ट्राइबल और माइनॉरिटी में खुद हूँ, तो इसीलिए काफ़ी उत्सुक है यहाँ के लोगों में। और पहली बार आए ना गाँव देहात में, तो काफ़ी उत्सुक है। और मैं चाहता हूँ भारत सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारा योजना है, इस योजना के अवेयरनेस की कमी से आज तो कुछ बनी है, लेकिन कुछ कुछ योजना है जिनका जानकारी नहीं होने के वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं आया हूँ। यह कम से कम ग्रास रूट तक इस योजना के बारे में पता चले और इसका लाभ ले। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने हमें यहाँ पर दायित्व दिया है कि जन जन तक पहुँचे ये सारा योजना। ये माइनॉरिटी योजना के बाहर भी ट्राइबल के लिए बहुत सारा योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट है, स्कूल के लिए ज़्यादातर इस हमारे इस माइनॉरिटी में है। सर जैसे के लिए है, सर जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, अवेल नहीं कर पाते हैं लोग, तो सर आपके थ्रू ही हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए लोगों को कुछ कहें। जरूर, मैं तो इसीलिए मैं पूरा अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हम बीते दिन CM और सेक्रेटरी है ना, चीफ सेक्रेटरी साथ भी बैठे, तो मैं उनको बोला हूँ कि पूरा दफ्तर कम से कम माइनॉरिटी दफ्तर कम से कम दिल्ली पहुँचे, और मैं वहाँ पे पूरा मंत्रालय के साथ पूरा ऑफिसर के साथ इस मंत्रालय के बारे में उनको ब्रीफ करेंगे और इसका योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपना राज्य में के लेके जाए। सर जिसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी लाभ हो सकते हैं लोगों तक पहुँचना चाहिए, और जैसे भी हो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लाभ होगा, हम आशा करते हैं जैसे आप यहाँ नामसाई में आए हैं तो वैसे ही डेवलपमेंट और बढ़ता जाए। जरूर, मैं इसीलिए तो आया हूँ, और अवेयरनेस मैं अगर चला जाता है ये दो एक ऑफिसर से मिल के चला जाता तो ये योजना नीचे तक नहीं लोगों तक नहीं पहुँचा, इसीलिए मैं MLA साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे डिप्टी CM को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने लोगों के बीच में हमारा मंत्रालय के बारे में और योजना के बारे में मुझे बताने का मौका मिला, यही सबसे बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जनप्रतिनिधि है, इसको ज़्यादा तक हैं लोगों तक इस योजना हैं लोगों तक इस योजना के बारे में पहुँचाएँ। तो इसलिए ये बहुत इलाका बहुत पुराना है, ये स्कूल भी बहुत पुराना है, ये समाज भी बहुत पुराना है। नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, एक तो लेटांग, दूसरा नामसाई और तीसरा कोकम, जो कोकम में कोकम तो हूँ लेटांग में घूमने के जरूरी है। तो मैं पहले लेटांग को रिप्रेजेंट करता रहा, लगातार 5 टर्म मैंने लेकान से जीता है। तो जो लेकान कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनका प्यार रिस्पेक्ट हमारा साथ पूरा का पूरा अभी भी जुड़ा हुआ है। यहाँ में जोसेफ किसान बैठा हुआ है, यहाँ में अर्जुन मुंडा बैठा हुआ है। तो मेरा पहला जो 95 में इलेक्शन चला था, तो मैं जोसेफ किसान का गाँव से ही मैंने शुरुआत किया रहा, वहाँ का गाँव उड़ा का